टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। What's up? Welcome to my show, What the? Yes, sir. Assalamualaikum, प्यारे बच्चों. शाबाश, जीते रहो, खुश रहो. आज एक ऐसा मुद्दा उठाकर लाया आपका भाई कि शादी जल्दी करने का है कि लेट करने का है. पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि शादी इंसान को तब करनी चाहिए कि जब उसे हर चीज में अपनी गलती नजर आनी शुरू हो जाए, जब उसका हर बात पे, छोटी छोटी बात पे सॉरी बोलने को दिल करना चाहिए, वो सही वक्त है कि जब वो एक शौहर मटेरियल बन चुका होता है, तो इसे तब शादी करनी चाहिए. और पाकिस्तान में एक और मसला ये है कि जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो आपको कमारे की नहीं, आपको एक ऐसे कूपन की नजर से देखा जाना शुरू कर देते हैं लोग कि जैसे वो टाइम पे अगर काम नहीं किया उसने तो वो जाया हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा. और अम्मियों का जो चक्कर है भाई, मेरे साथ ये हो चुका है, ये असली वाकया मैं आपको सुना दूं. अम्मी, बेटा कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताना. अरे अम्मी यार, जब पसंद थी, जब ट्राई कर रहा था, जब पीछे पीछे हैंगरों से मारती थी आप मुझे कि बेटा पढ़ाई कर लो, ये किस काम में लग गए तुम. और अब जब चाहिए 30 साल की उम्र के बाद चाहिए तो अब कहती है मेरा बेटा कितना निकम्मा है, लड़की तक पसंद नहीं कर पाए. करे तो क्या करे यार बंदा. और जो लड़कियां हम पसंद करना चाहते हैं भाई, उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते, उनके तो समझ नहीं आती. वो मेडिकल स्टोर पर जाके कह देती हैं ये सर दर्द की गोली में अगर कोई और रंग है तो दिखाओ. और अब दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है छोटी उम्र में शादी करने वाले. भाई वो भी कोई मारकर नहीं मारते, वो भी बेचारे जब 5 साल पहले तो लड़ने में गुजार देते हैं और जब तक उनको शादी समझ आती है वो भी 30 साल के हो जाते हैं, तो उन्होंने भी कोई तीर नहीं मारा, समझे. और उन नन्ने मुन्ने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो आधी जिंदगी तो इस चक्कर में गुजार देते हैं. पुलिस वालों को यकीन दिलाते हैं, होटल वालों को यकीन दिलाते हैं हम शादीशुदा हैं, हम कपल्स हैं. तो ये सारी कंफ्यूजन से मट्टी झाड़ने के लिए आज इस मुद्दे को हमने उठाया है कि शादी करनी है नहीं करनी है, जल्दी करनी है देर से करनी है. तो लेट्स सी कि हमारी टीम्स आज क्या हमें समझा कर जाती हैं और हमें क्या सीखने को मिलता है. और आज का महायुद्ध हम शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम अपनी टीम को दावत देंगे जो कि है लेट मैरिज. मैं ठीक हूँ, लाठी चार्ज नहीं किया, मैं एहतजाज भी नहीं किया कोई. ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ. ये शकील सिद्दीकी, लेजेंडरी शकील सिद्दीकी साहब के साथ ज्यादा हैं. शकील साहब के लिए बहुत सी तालियां. थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, प्लीज जॉइन द टीम. प्लीज कैसा मौसम है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक. वेलकम टू द शो गाइस. आपका नाम है? शराबेल सिद्दीकी. आपका नाम निशा है? खान. निशा, वेलकम टू द शो. जैन इकबाल. जैन, वेलकम टू द शो. हिरा जैन. हिरा जैन, थैंक यू सो मच गाइस. और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट मैरिज को. आप हामी हैं लेट मैरिज के? जी जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप तो मुझे लगता है मैरिज की हामी नहीं है. नहीं, नहीं, लेट शादी होनी चाहिए और इतनी लेट होनी चाहिए कि मैं तो कहता हूँ आपका एक बेटा हो जाए, आप मुतमईन हो जाओ, फिर करो. और आपके मध्य मुकाबले हम दावत देंगे टीम अर्ली मैरिज को. अस्सलाम वालेकुम, आपका इसमें ग्रामी है? अफान सिद्दीकी. अफान सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो. दुआ वसीम. दुआ. रुमैसा रमी. रुमैसा रमी इब्राहिम. वेलकम टू द शो गाइस. ओके, सो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्ली मैरिज. यस, आप लोग चाहते हैं अर्ली मैरिज. सर, आप चाहते हैं अर्ली मैरिज हो जानी चाहिए इंसान की? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए. आपको नहीं लगता नुकसान होंगे इससे बड़े? मुझे तो बहुत सारे नुकसान आते हैं. वैसे तो लेट के भी नुकसान ही है यार, वैसे तो शादी के नुकसान है. अगर इस तरह बोलते नहीं अब तुम है, सांप सूंघ गया तुम लोगों को जिनकी मेरी मेरी हिमायत करते हो तुम इस बात पे ऑफ एयर सबसे ज्यादा. ओके, सो जल्दी करो, देर से करो, शादी बर्बादी है. आए, एग्जैक्टली. अच्छा, ओके ओके, वेट. एग्जैक्टली. मोमेंट मोमेंट एंजॉय करने वाला ये है कि इनकी और इनकी शादी नहीं हुई. अच्छा, इसलिए इन्होंने ये कहा. मैं आ गया. इनकी और इनकी शादी हो चुकी है. ये भाभी है, ये भी भाभी है और ये होने वाली भाभी है.
नहीं कोई बात नहीं, हम तो पाकिस्तानी है, ट्राई करना फर्ज है आपका। पाकिस्तानी हम कहीं भी कुंडा मार दे करंट आना चाहिए। क्या कह रही है वो, क्या कह रही है? ना जाए इसको बेचारा, कब से इंतजार में बैठा। असल में मेरी आदत है जाते आते पैसे पकड़ा देने की। शादी हो ही नहीं रही। आदत बदलो ना तुम अपनी। आदत में बदलो। ओके गाइस, तो पहला सेगमेंट जो हमारा है, अच्छा एक तो टीम ये है, क्या है मैं समझा कोई इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है, बाल फटा होता है, जाके देख लेते इसकी में ऐसी की तैसी पूरी। अरे भाई ओ भाई क्या हो गया, कौन है बच्चे होंगे इससे, बच्चे लड़ रहे होंगे और कौन लड़ेगा। कितना ये इससे बिल्लियां लड़ती होंगी। हां एग्जैक्टली, माशाल्लाह पूरी औरत खा गई है, सिर्फ चुटिया बाहर रह गई है। बच्चों से अगर पिटोगे कैसा लगेगा मिस्टर डी? ये टीम है जो के अर्ली मैरिज को सपोर्ट करती है। अच्छा, ये टीम है जो के लेट मैरिज को सपोर्ट करती है, और एक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो के मैरिज को ही सपोर्ट नहीं करते। ऐसा है ना, जहां तो शादी शुरू होती है वहां ये खत्म हो जाता है। वैसे अदानी से आपकी शादी हुई थी, आपने कर आपकी शादी ये क्या समझो, ऑफर समझो या कहीं नहीं? ये सवाल आपने क्यों किया वैसे, मुझे भी अचानक मैं आपसे पूछना चाह रही थी कैसा एक्सपीरियंस, और अगर मैं बोलूं नहीं की तो आप कर लेंगे? पहला आदमी है मुंह से बोलता पीछे से हिला होता, बड़ा काम का आदमी है, दिनी नाक में टोपी लगा दो तू कूलर बन जाएगा। माशाल्लाह चश्मा भी पूरा नहीं बनवाया, सिर्फ डंडिया डंडिया कहाँ है भैया? मैकडोनल्ड वाले चाचा होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं, उनका बड़ा बेटा ही। ओके गाइस, सो व्हाट द फन का पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जो के है टॉप रिस्पॉन्स। सो पहला सवाल हम किससे करेंगे? पहला सवाल हम करेंगे टीम अर्ली मैरिज। अर्ली ओके, आपका गलत है, ये अर्ली होना चाहिए, ये लेट होना चाहिए, ये अर्ली है, ये लेट। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले? तुम कौन है? अच्छा सवाल है। Who are you, bloody basketball? टॉप रिस्पांस में पहला सवाल हम करेंगे अर्ली मैरिज से, और वो सवाल है, वो क्या है जो छोटी उम्र में शादी करने वाले अक्सर नहीं कर पाते सर? सर्वाइव नहीं कर पाते। सर्वाइव नहीं कर पाते। Come on guys, don't do that. Don't make it short. मुझे कुछ देखना है। I know गंदी बात है, लेकिन हंस के उसको तस्दीक तो करना करो। सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाते। मिस्टर डी आपने मेरे नीचे आ जाना किसी दिन, आपस में ना चले। Yes ma'am, आपको क्या लगता है कि वो क्या है जो छोटी उम्र में शादी करने वाले सर्वाइव नहीं कर पा रहे? करियर नहीं बना पाते। करियर नहीं बना पा रहे, करियर नहीं बना पा रहे। लेकिन किसका करियर, साइकिल का करियर या मोटरसाइकिल का करियर? मिस्टर डी गधा गाड़ी का। अबे सर जवाब बता दे मुझे, करियर से नहीं कर पाते। राइट आंसर, गुड जी। भाभी माँ आपको क्या लगता है? एजुकेशन नहीं ले पाते। एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, गुड आंसर, गुड आंसर है। बहुत आला, बहुत बढ़िया। भाई जान आपको पहले तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम हमारे शो में, आप मिस्टर वर्ल्ड है माशाल्लाह, थैंक यू। आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान को इतना मकाम दिया, और शानदार शर्ट भी ठीक कर दी इसी बहाने आपने। चल व्हाट डू यू थिंक, वो क्या है जो छोटी उम्र में शादी करने वाले नहीं कर पा रहे? माँ और बीवी में फर्क नहीं कर पाते। माँ और बीवी में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा जवाब। यस माँ और बीवी में क्या बोला? माँ और बीवी में भाई ने कह रहे फर्क नहीं कर पा रहे, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या बोला ना, माँ बहन की बात हुई है, माँ बहन की मैं बोला बैलेंस नहीं करवा पाते। नहीं सर ने कहना था बैलेंस नहीं कर पाते, लेकिन सर के मुझसे फर्क निकल गया। अच्छा। और उस जुमले का मतलब बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, अब तक तीन जवाब आप सही दे चुके हैं, जिसका मतलब ये 30 नंबर बटोर चुके हैं। सर व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से अपनी लाइफ को सही से अगर सर्वाइव करने की मुराद ये कि मैं ये समझता हूँ कि फैसले नहीं पाते, अपने फैसले लाइफ के लिए नहीं पाते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्रोमाइज एक बहुत अहम जुज़ है एक कामयाब शादी का, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। ये भी कॉम्प्रोमाइज़ है। गुड आंसर। ओके जी आपको क्या लगता है? मैच्योरिटी की कमी होती है, तो उसके वजह से फैसले सही नहीं ले पाते, फैसले डिसीजन मेकिंग पावर नहीं अच्छी होती उनकी। लेट्स सी कि क्या हमारा सर्वे इसको सपोर्ट करता है। जी आपको क्या लगता है मैम कि वो क्या है जो छोटी उम्र में शादी हो जाए तो नहीं हैंडल हो रहा?
फैसले और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, जिम्मेदारी क्योंकि फैसलों की बात इन्होंने कर दी थी, आप जिम्मेदारी इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओह यस, घर की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं उठा पाते। 40 नंबर पर डोलिए भाईजान, आपको क्या लगता है वो क्या है जो छोटी उम्र में शादी करने वाले नहीं कर पा रहे? फाइनेंशियल इश्यूज, बैंक फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। वेरी गुड आंसर, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। वोट क्लियर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना, अब तो खत्म हो गया ना, खत्म हो ओके चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, पांच ना पांच, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं दूसरा जवाब क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। चले 50 नंबर आप लोगों को मिल गए हैं। ओके सो अब टीम लेट मैरिज की बारी है, चलो लेट मैरिज की बारी है, लोगों की बारी है भाई जी, इधर ही बारी है, मैं बाहर लंगर खुला हुआ है, तुम्हारी बारी है। बारी मैं तो वही समझता हूँ भाई, नहीं वो बारी नहीं है। अब आपकी हाँ बारी बारी आएंगे सब, और आपका सवाल रहा ये, देर से शादी करने वाले शादी के बाद अपने पार्टनर से अपना क्या छुपाते हैं? नो नहीं कह सकता हूं, बताइए। शादी करने वाले शादी के बाद अपने पार्टनर से, देर से शादी हुई आप क्या छुपा रहे हैं, क्या पता ना चल जाए उसके पार्टनर को? अबू ने छुपाया होगा ना, अबू की काफी देर से शादी हुई है, ये मेरा अबू ने बताया होगा तुम्हें। यार इनसे कौन बताएगा मुझे, वही उस्ताद है, सफेद बाल, सफेद बाल। हाँ अच्छा जवाब, अच्छा जवाब, बिल्कुल ठीक है, सफेद बाल छुपाते हैं अपने पार्टनर से, बिल्कुल सही आंसर जी। आपको क्या लगता है कि क्या छुपा रही हैं आप अपने पार्टनर से अगर आपकी शादी हो गई देर से? एज छुपाते हैं, एज छुपाते हैं, एज छुपाते हैं, असल उम्र छुपाते हैं अपनी, अपनी असल उम्र। गुड आंसर, यस सर, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है देर से शादी करने वाले शादी के बाद अपने पार्टनर से क्या छुपा रहे हैं? अफेयर्स, अपने अफेयर्स जो रिसेंटली किए हों, पुराने। भाभी ने ढूंढ लिया, भाभी ने कहा पुराने। भाभी सच बताए ना, कितने ऐसे हैं जिनका आपको पता है और कितने ऐसे हैं जो आपने ऊपर से जाके पकड़ लिया? मैंने शादी के बाद बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया तो पता लगा कि रह चुका है। Because he's a good looking guy. हाँ हाँ, obviously. And he thinks he's very handsome. तो रह चुका है काफी। He is a very handsome guy. So, बनते हैं सर, आपके बनते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं बनते, अब नाक बंद करवा दीजिए हमारी। ओके सो लेट्स सी के भाभी का जवाब दुरुस्त है। ओके परफेक्ट, देर से शादी करने का क्या छुपाता पांडव? दवाइयां। अच्छा ये दवाइयां डॉक्टर की, हकीम यार, ये अच्छा जवाब है, जवाब अच्छा है कि बुढ़ापे में वो सब बेचारा अपनी दवाइयां छुपा रहा होता है कि हाँ इसको पता ना चल जाए अपनी दवाइयां। अच्छा ओके ओके ओके, निशा जी आपको क्या लगता है क्या छुपा रहा है पार्टनर? सेलफोन, सेलफोन छुपाता है, अपना फोन छुपाता है, आओ देखें। ओए वैसे छुपाता तो है लेकिन सर्वे में नहीं था ये जी भाई जान। Come on. अब इनका ध्यान यहाँ नहीं है घर पे, अपने चेहरे की झुरियां, झुरियां छुपाते हैं, अपना बुढ़ापा छुपाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके मुकाबला बराबर हो चुका है दोस्तों भाई बुजुर्गों, और अब आखिरी करके ना वोट क्लियर कर दें, आपके हाथ में सही है। Let me think. Friend list? Friend list छुपाते हैं? Previous record वो affairs में आ गया मेरे ख्याल से। वो affairs में आता है, लेकिन कुछ और बदलना चाहती हैं आप? क्या छुपाते हैं? Come on, come on, come on. 10, 9, 8, 7. ये भी हुआ था. 6, 4, 3, 2, 1. You quit. क्या छुपाते हैं? ये देखते हैं. पांचवा जवाब क्या है? शादी ना करने की असल वजह इन्होंने वेल बैक गाइस, 5-5 से बराबर रहा। आइए देखते हैं टॉप रिस्पांस का फाइनल रिजल्ट, कम ऑन मिस्टर डी, लेट्स सी। मुझे बराबर क्यों लग रही है? बराबर ही है। ओह वेल बैक गाइस, ओके सो बराबर रहा, अभी तो शुरू है शो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई जी जी बिल्कुल, अभी तो बहुत तहस नहस हो गया यहाँ पे, अभी एक हमारा ऐसा राउंड है आखिरी जिसको हम बजर बैटल कहते हैं, वो पांसा पलट राउंड भी कहता हूं मैं उसको, उस सारी गेम का पांसा पलट देता है। सो वेल प्लेड गाइस, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए वो द फन में, अभी एक वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। शोर शॉट में क्या होता है दोस्तों भाई बुजुर्गों और बहनों? सर होगा ये शोर शॉट, सॉरी
बुजुर्गों और बहनों यार आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे तो बड़े भाई हैं, ये सही है, हमारे तो बड़े हैं आप, थैंक यू सो मच, बल्कि दही बड़े हैं। ओके, सो होगा ये इस राउंड में के हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, ये बॉल्स इसलिए आपके हाथों में थमाई जाएंगी ताकि आप इशारे मत कर पाएं, आपको जो भी चीज बताई जाएगी यानी दिखाई जाएगी सो उसके इर्द गिर्द का कुछ भी कह सकते हैं उस चीज का नाम नहीं लेंगे वरना माइनस 10 हो जाएंगे, और जिससे सवाल किया जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा। सो पहले किससे शुरू करें? इनसे करते हैं, आपकी टीम में से कौन आएगा पूछने के लिए? चलो बेटा आप नाम पसंद किया है, आपके लिए पहली पिक्चर है ये, सिक्का है और अब बंद हो गया, अब नहीं आता, एक रुपए का सिक्का है, पांच का सिक्का है, या एग्जैक्टली, या किसने किसने इन्होंने देखा नहीं उसको, मैं तो उसको ही देख रहा हूं, तो वो इशारा तो कर सकता है, हाथ नहीं, हाथ नहीं, अच्छा ऐसे वाला भी नहीं करना, ये ऐसे भी नहीं, ऐसे भी मैंने जस्ट यही किया, ये नहीं करना, ये ले, ये ले। ओके चलिए पहला सवाल सही हो गया आपका, अगला सर आपके लिए रहा ये, कम ऑन, ये पुराने तंबू, ओए सर कम ऑन, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नहीं नहीं गलत, जो से आर्ग्यू करना होता है, छुरी, आर्ग्यू करना, जज से, जज से, जज से, नो 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 नो, टाइम्स अप, क्या है बता दे, देख ले मुड़ के, आलू कड़ी आते, अरे आर्ग्यू कर रहा था, आर्ग्यू लॉयर से आर्ग्यू, आलू नहीं कट जाते, आलू बोलना यार ये गॉड से, अच्छा चलो वो सब्जी मंडी निकल गया था भाई, मैं बोलूं यार भाभी अगली तस्वीर आपके लिए ये, ओए होए आजकल स्किन पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जल जाते हैं तो उसके ऊपर भी फर्न लगाते हैं, प्लांट होता है, ग्रीन कलर का प्लांट होता है, प्लांट होता है, प्लांट होता है, काटे काटे से होते हैं उसके अंदर, जल्दी कम ऑन यार, यार वो होता है ना यार ये जो इतना एलोवेरा, हाँ तो ये बाद में नहीं बताना था ना, कोई बात नहीं रिमाइंड कर दो, कोई बात नहीं, बी क्विक बी क्विक बी क्विक, नेक्स्ट पिक्चर सर आपके लिए ये, ओए होए होए होए, चालाक जद्दू है, बोला चालाक होता है, हां लोमड़ी है, बिल्कुल ठीक है, चालाक को तेरा भाई फौरन पहचान, चालाक से उन्होंने फौरन पकड़ा लोमड़ी, यस सर अगली पिक्चर मैम, ओए प्लेन में मर गए थे ये, मार दिया था, नहीं नहीं जनरल थे, जनरल है, अच्छा वो रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जाओ लग जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक मिनट इनको टाइम दे, सॉरी इनको टाइम दे, इनका मेमोरी शो, ये लो गाड़ी, भाभी कह रही है इनको टाइम दे, इनका मेमोरी लॉस हो गया, इनके टाइम पे तो लोग भी ऑफ हो गए, आपको भी क्या ही बताऊं यार, तुम्हारी अभी पिछले टाइम अच्छी थी, अब टाइमिंग खराब हो रही है तुम्हारी, पता है कहां से आई शिकायत यार, ये कौन इनका एक अलग शो बनाया, यस प्लीज मैम अगली पिक्चर आपके लिए ये, जल्दी हरे हरे हैं, इनकी गलती है, हरे हरे आ कड़वा, शबे बरात में नहाते नहीं है, नीम, ओ इतना ही आसान था, शबे बरात कड़वा, नीम के पत्ते कड़वे हैं, आगे नहीं बोलियो, ओए 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 हेलो हेलो भाई, पता है कितने लिए, ये पोयम है ये, लेकिन वहां तक तकलीफ हुई है, कौन से स्कूल में पढ़ते रहे हैं आप, ये पोयम सुनाते रहे, ये इलाकों की पोयम है, यस सर आपके लिए अगली पिक्चर, हाय 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 हाय, इनकी बारी है, कम ऑन शेख साहब, जावेद शेख, यस सर, इनका बगल हर ड्रामा हर फिल्म अधूरी है भाई, लेजेंडरी सर जावेद शेख साहब के लिए बहुत सी तालियां, क्या बात है क्या बात है, ओके मैम आपके लिए अगली पिक्चर ये, ओए एसी का अल्टरनेट है, गरीब लोग यूज करते हैं छोटा छोटा, कम ऑन यार कम ऑन, पंद्रह में लगा होते हैं, एसी का अल्टरनेट, एसी का अल्टरनेट, चिलर कम ऑन कूलर, लेट आप लेट हैं, उनका क्यूब बहुत अच्छा था, एसी का अल्टरनेट बहुत अच्छा था, एसी का चलाते हैं, एसी का अल्टरनेट ही बहुत बढ़िया ओ गरीब लोग लगा रहे हैं, क्या पता था हमारे घर में तो एसी है, हम तो अभी बर्फ की सिल्ली पे शलवार फंसाते हैं, दो पाइप फंसाते हैं, अभी तक शलवार में फंसे हैं भाई, अपने एसी है, शलवार से बाहर निकले यार, क्यों निकले भाई, अगली पिक्चर आपके लिए, ये शो एडिट करने में मौत हो जाएगी आपकी, जिंदगी गुलजार एक प्रोजेक्ट था उनका, हीरोइन है पाकिस्तानी, मोहित भाई की वाइफ, एक्स वाइफ, मिर्जा साहब का, तो आपका नाम, उनकी वाइफ का नाम भूल गया, सनम साहिबा हैं,
भाभी माए हमारी जी भाई जान अगली पिक्चर आपके लिए पठान हो गए थे ये खुद अंग्रेज होता होता मुस्लिम हो गया यार बहुत आला बेस्ट क्यू एवर ओके दैट्स इट और खत्म हो गया इतना ही था अब ये तो गलत है यार वेल पेड गाइस वेल पेड आप में से कौन आना चाहता है नहीं इस बार का मतलब हम गेस कर लेंगे ओके आर यू रेडी आपके लिए पहली पिक्चर है ये सो बहुत शौक बहुत शौक से खाते हैं और इसमें बादाम होता है खीर इसमें बादाम ये फल बादाम होता है अच्छा आपने आपने आखिरी क्यों अच्छा दिया था लेकिन इससे पहले अगर आप फ्रूट कह देते ना एग्जैक्टली जुड़ा भी हो सकता यस मैम आपके लिए अगली पिक्चर ड्रामों में आते हैं ड्रामों में आते हैं एक्टर है एक्टर है और वो बहुत मशहूर ड्रामा था अच्छा आपको एक सेकंड इनका ड्रामा था ऐसे करने से एक्टर का नाम तो नहीं ना पता चल जाएगा हमारे बहुत यंग टैलेंटेड एक्टर हैं बिलाल अब्बास साहब पहली लड़की जिसकी ठुड्डी नहीं है देख अगली पिक्चर भाभी आपकी अरे बहुत शौक से खाते जब आप कॉम्पिटिशन पे होते हैं तो ये आती है कैंसर से अगर आप लोग पूछते तो कौन पूछता यस ये अच्छा क्योंकि हाँ डाइट पे हम लोग यही खा रहे हैं चले भाई जान आपके लिए अगली पिक्चर ये रे मशीन का बोर्ड मशीन में बोर्ड लगता है बोर्ड होता है पूरी मशीन चलती है इसी पे बोर्ड कंप्यूटर नहीं बोल सकते कंप्यूटर नहीं बोल सकते अगली पिक्चर आपके लिए यस कंप्यूटर नहीं बोल सकते पॉलिटिशियन है ठीक है पीटीआई से ताल्लुक है इनका इमरान खान नहीं 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 दूसरे जश्न का इंतजाम किया जाए अभी आपके लिए अगली पिक्चर है ये ओए रात में होते हैं ये ना मच्छर रात में ये होते हैं बात वही है कि आपको पहले बताना था परिंदा परिंदा है और रात में जागता है बट ओके आप आगे बढ़ते हैं भाई जान आपके लिए सरेआम होस्ट सरेआम होस्ट वो वसीम बदामी नाम ले दिया इतना टाइम अप हो गया टाइम कोई कच्ची दीवार बताएंगे कोई कच्ची दीवार बताएंगे मुझे सर मारना अपना ये इसके बहुत अच्छा क्यों था आई अप्रिशिएट इससे अच्छा क्यों इनके लिए ये नहीं हो सकता था सरेआम के होस्ट एक ही इकलौते और मतलब वसीम हमेशा से कोई बात होस्ट तो है वो यस मैम अगली पिक्चर बोर्ड में लगाते और इलेक्ट्रिक है हाथ उस पे प्लग 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 ओके या अल्लाह अगली पिक्चर आपके लिए बाकी बड़ा पठानों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं उसका सब ना फेसबुक पे पठान है वो शीमेल टाइप है खत्म हो गया मैं बोल और दिया अभी उनकी रिसेंटली एक वीडियो आई जिसमें वो चीजें फेंक रहे थे घर की सारी ये कहते हुए कि अगर उनके लीडर को ना छोड़ा गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और यकीन करेंगे वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे तो कोशिश करें कि उनके लीडर को छोड़ दें वरना ये किसी को नहीं छोड़ेंगे वरना ही किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई जान आपके लिए अगली पिक्चर ये फ्रिज में लगाते हैं फ्रिज में लगाते हैं फ्रिज के ऊपर लगता है ये वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इन्वर्टर सिक्स फाइव
माइनस टाइम निकल गया क्या हुआ बता दे स्टेप प्लानर टाइम अप हो गया टाइम लेकिन जीत नहीं टाइम अप के बाद काम पर हम जीरो पे खड़े रहते हैं लेकिन अच्छा था इसके भी क्यूज अच्छे थे इसके भी क्यूज अच्छे थे ओके आपके लिए आखिरी पिक्चर है ये घूमने के लिए जाते इस्लामाबाद के बाद आता है मोनाल उसके आगे टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप जब बांसल में पकोड़ा गिरती है पूछती ना इट वाज अ फन सेगमेंट इट वाज अ फन सेगमेंट लेट्स सी कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला वो तो ठीक है लेकिन आप हां दोस्तों मिलकर देखते हैं क्या बोया हमने और क्या काटने जा रहे हैं लेट शादी 14 10 वाह 14 10 मार्जिन मैं क्या करूं खुद ही हुआ भाई ये कैसे किया तुम लोगों ने बस ऐसे खेलते हुए तो ना लगे ऐसे तो क्या हुआ ऐसा किया ऐसा भी नहीं था मिस्टर डी लेकिन ये कुछ समझ इतना ही बुरा लेकिन इन्होंने एक जवाब दिया नहीं, नहीं यार दो दिन तो है अच्छा चलो दिल ना छोड़ो मैं खुद क्यों दिल छोड़ गया मेरी बात में बदल क्यों नहीं है और करो जल्दी शादी I'll see you guys right after this break. Keep watching What the Fun! Mr. D, करके दिखाते हैं करके दिखाते हैं ओके मैं आपकी टीम का प्लेयर हूँ वो उनकी टीम के प्लेयर हैं और अभी हमने वन टिप करना है वन टिप अब मुझे टू करने होंगे टू हो गए आपको भी टू करने हैं अब मुझे थ्री करने होंगे मैं हो गया आउट क्योंकि फोर हो गए क्लियर है अब ठीक है आप मैं क्योंकि आपकी टीम का था मैं आउट हो गया तो आप अगला प्लेयर आएगा लेकिन उनका वही खेलता रहेगा जब तक वो आउट नहीं होगा जिसका आखिरी प्लेयर रह जाएगा वो सस्टेन कर जाएगा और वही विनर होगा और आपका वक्त शुरू होता है अब आउट यहाँ पे टू लगा लगेगी उनके यहाँ पे टू लगा यहाँ पे टू यहाँ लगा चल ये फेंकेगा खुद क्यों नहीं आ रहे अब बड़े वाले में आऊंगा जब चार होंगे ना चार ये अपने तरफ से कैप्टन बनाऊंगा टीम का और भाभियां आमने सामने इस वक्त भाभी कमान अच्छा आपने पहले नहीं पकड़ा पहले नहीं पकड़ा आपको अब आप जाइए यहाँ से आप जा सकती हैं अब आपकी बारी है अभी तक आप लोग वन ही नहीं कर पाए बहुत सुख हो बहुत अच्छे बहुत अच्छे आज रमीश भाई आखिरी आ गए चले आइए जी वन वन करें ओके सर आपने भी वन करना है ओके वन हो गया टू करना है आपने टू दो दफा जाए ये परफेक्ट टू परफेक्ट थ्री थ्री कम ऑन गिव मी थ्री आपने पहले पकड़ लिया कि फोर हो सकते थे और ये आउट हो सकते थे लग सकता था आप इसको आने दे खुद तक टेबल पर ना पकड़े थ्री हो गए आपके आपको भी थ्री करने हैं थ्री परफेक्ट फोर करने फोर आपकी टीम खत्म होगी ना क्या कहने ओके 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 लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको बेस्ट ऑफ थ्री बना सकते हैं फाइव भी बना सकते हैं हमारा शो है यार हम कुछ भी कर सकते हैं अरे क्या जब हमारा बहुत दिल कर रहा होता है अच्छा तो बेस्ट ऑफ थ्री तो हो गए तो आप आ जाएं अब आप इतने आप ना कैप्टन ना बने अब आपकी तरफ से पहले को बनाना चाहते हैं वैसे तो सबने बुरा खेला लेकिन आगे देखते हैं अच्छा खेला फिर वही करना है वन 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 चले आपका टाइम शुरू होता है डार्लिंग मेरी बारी है फ्रैंक 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 आई एम फ्रैंक
कॉन्फिडेंस का रन। आइए आपको वन करना है, आपको टू करना है। इट्स ओके, सही है सही है सही है। टू करना है, टू 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 करना है, टू परफेक्ट। आपको भी टू करना है, परफेक्ट। थ्री करना, ठीक है थ्री करना है, परफेक्ट। मिस्टर इलेवन थ्री करना, थ्री परफेक्ट। फोर करना, फोर। बहुत अच्छे भाई। नो नीचे गए पैर, कैच नहीं करना, बस इसमें वो होना चाहिए ना। आप हो गया, ठीक है। आपको फाइव करने हैं, आपको फोर करने हैं, आपको फोर करने हैं, आपको फाइव करने हैं। सेंटर मार, सेंटर मार, जहाँ छोड़ के गया आपका पीछा टम्बे पकड़ा, पकड़ा नहीं पकड़ा। वेरी गुड, लग गया लग गया लग गया। सेक्स 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 पहले नहीं, हाथ लग गया पहले, हाथ लग गया पहले, पकड़ेगी तो नुकसान। मेरा हाथ लगा, मेरा लग गया, सेक्स हो गया, सेक्स हो गया, सेक्स हो गया। आपको फाइव करने हैं, फाइव हो गया सर। लेकिन सर वो हाथ से लगा था, हाथ लग गया, लगा मेरा भी यही हुआ, उनका भी लगा था। ओके फाइव फाइव सर, आपको भी फाइव करना है। एक सेकंड, आपके फोर थे ना, आपके फोर थे ना, फाइव थे, फाइव हमारे थे, फाइव आपके थे। इनको करने हैं फाइव, इनको सिक्स करने हैं ना, प्लीज इनको सिक्स करना, आपने सिक्स करना सर, आपको सिक्स करने हैं। It's a tough task. Five करने, five, five, five. Out, out, out. Five करें. Three, four, out हो गए. Four हो गए. आइए. और अब आखिरी आखिरी प्लेयर है, अब फैसला हो जाएगा. इनको कितने करने हैं? कितने कितने बताएं? Four, four, four. इनको four करने. Four करने. अगर तीन पर मारी आउट, आपको फोर करने थे यार, और आप नहीं कर पाए, जीत गए फिर से। अभी तो बिना खेले जीत गए, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है। नहीं भाई ये क्या हो रहा है भाई, फाइव नहीं भैया, जीत गए जीत गए जीत गए, कर ले नहीं कर ले, सेगमेंट का टाइम पूरा नहीं हो रहा, खराब हो जाएगा यार। हम खेलते ना की तरफ से, चलो एक काम करते हैं, आखिरी गेम खेलते हैं दोनों टीम्स की तरफ से, दोनों दोनों लड़कियां, वैसे एनीवे टू वे, दो लड़की इनकी, दो लड़की हमारी, क्यों भाई। चलिए मिस्टर डी, लेट्स ट्राई। नहीं वो ना वो सब, अच्छा आप दो वो जीत गए, एक ये जीते, कोई भी नहीं जीते, नहीं जीते। चले मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ, आप अपनी को करें, देखते हैं। सही है, चलो वन वन टू टू थ्री मिस्टर, थ्री करने आपको, शाबाश क्लोज थ्री, अब फोर करने मुझे, तीसरा भी हम ही जीते, जितना ही तो आप लोग। क्या आप लोग चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ फाइव की जाए? नहीं, यस वो तो कहेंगे, हाँ पूरी रात ये करते रहेंगे, टॉस करना टॉस करना टॉस करना, ये जिता दो अब, खत्म कर दो बस, बस अभी खत्म करते हैं राजो। हाँ। उसकी उसकी वजह नहीं, उसकी वजह ये है कि मैंने भी खेल के देखे, ये साइड भारी है, अब क्या करना, फाइनल रिजल्ट देखे, क्या देखना है? सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि हम हार का जश्न मना सके, सिर्फ इसलिए। सही है, सिर्फ मिस्टर डी को नाचना है और कुछ नहीं। अल्लाह 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 तौबा, मजा, मजा। क्योंकि अब तक जिसकी भी बर्तरी थी वो आसानी से पछाड़ा जा सकता है, उसकी वजह ये है कि इसमें आप सबसे एक एक सवाल किया जाएगा, ये टॉस है, ये सिर्फ टॉस है, जो भी टॉस जीतकर अपनी टीम की तरफ हमें ले जाएगा उसके बाद वो हमें अपनी टीम के साथ रख सकता है जब तक कि वो एक गलत जवाब नहीं देता। सही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप बिल्कुल सही जवाब देते रहेंगे तो सब आप पूरा बोर्ड पछाड़ सकते हैं। ओके आ जाओ, आ जा कुर्बानी, आपकी जानिब से कौन सत्य कभी, आइए आइए आइए, अरे दुआ
इधर बद्दुआ। बहुत अच्छा भाई। जिनकी ज्यादा छोटी डैश हो वालिदैन को उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। उमर सही जवाब। उम्मीद थी नहीं ऐसा जवाब की। बड़ा स्पीड में भाई। आ जाओ। अच्छा आप में से किसी और की आवाज आई थी और इसका नुकसान होगा आपको आगे जाकर। कोशिश करेंगे कि जिससे पूछा है सिर्फ वो बोलेगा। आपकी बारी। लोग अपना डैश बड़ा करने की वजह से भी शादी करने में लेट हो जाते हैं। वो नहीं। ये पता है ये मुझे बंद करवाएगी। ये तो चैनल बंद करवाएगी। नो कमेंट्स। बोलो। अच्छा ओके चलिए मैं आप लोगों की ना एक मुश्किल क्लियर कर देता हूँ। ये एक ऐसा सर्वे है जो कि बहुत सतही है अवामी, तो इसमें कोई इंटेलेक्चुअल जवाब देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक सोचिएगा कि एक आम आदमी क्या सोच सकता है। लोग अपना डैश बड़ा करने के चक्कर में भी शादी करने में देर कर देते हैं। बिजनेस। एग्जैक्टली दैट्स इट। दैट्स द राइट आंसर। कि उनका बिजनेस करियर स्टेबल हो जाए फिर शादी करें। बिल्कुल ऐसे ही सोचना। सर आपसे सवाल है कि जल्दी शादी करने से इंसान का डैश पीरियड खत्म हो जाता है। एंजॉय पीरियड। ठीक है आप करीब है। बस एक लफ्ज़ है जो हमें दरकार है, आप बताएंगे। ग्रोइंग पीरियड। ग्रोइंग। ओके भाभी हंसी में डाल दी। हंसी में डाल दी। भाभी आपने तो हंसी में उड़ा दिया सारा सेगमेंट हमारा। टीनेज पीरियड खत्म हो जाता है इसका। एग्जैक्टली वो अपनी उम्र से बड़ा हो जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब। लेट शादी करने वाले को हर इंसान में अपना डैश नजर आने लगता है। अबू मुझे देख कब भूलूगा तूने। हाय अपना फ्यूचर। करीब से। यस मैम। लेट शादी करने वाले को हर अगले बंदे में ना अपना डैश नजर आता है। अरे हर अगले बंदे में अपने अपना पास्ट -10 नहीं बता बताएं क्यों? क्योंकि आपने तो कोई गलती नहीं की तो माइनस टेन क्यों है? क्यों आप कप उठा के किसको मारेंगे अभी? मुझे इसको पास्ट तुमने बोला था। और जी पहले नहीं बोलना, पहले ही घाटे में है ये पूरी टीम। पहले डांस दिखा दे। इधर आओ। अब आपकी बारी। ओके क्या बोलूं? लेट शादी होगी। पास्ट इंसान की शादी नहीं हो रही। आप उसको ना हर दूसरे बंदे में नजर आ रहे हैं अपना, जिससे अपनी लाइफ में आप एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉयमेंट से क्लब से कम ऑन कम जिसकी मेदार बोल आउटिंग शाउटिंग। आउच। भाभी व्हाट डू यू थिंक? अपनी मोहब्बत। आउच। सर इससे आसान नहीं कर सकता था मैं। उसको लगता है कि यही मेरा अपना फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ। नहीं अपना पास। पास नहीं। हाउ द पास? आ गया बुलाने का। जल्दी शादी से अक्सर लोगों की डैश अधूरी रह जाती है। ख्वाहिश वो तो पूरी हो जाती है। फायदा सही ख्वाहिश है। ख्वाहिश उन्होंने कहा। गौर से आसान बहुत इजी सिंपल सा जवाब है भाई। शादी जल्दी हो गई बाकी अधूरी रह गई। इससे ज्यादा क्या? टाइम्स स्टडी। स्टडी इट इज यस। पढ़ाई अधूरी रह जाती है। बिल्कुल सही। अरे वाह यू आर एजुकेटेड। वाओ ग्लैड टू हियर। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। खत्म हो गई। थैंक यू। कल क्या बोलेगा पता नहीं। सर जो शादी नहीं करते उनके उनकी घर में बैठे बैठे डैश निकलती रहती है। उमर निकलती रहती है। बिल्कुल सही जवाब। जल्दी शादी करने वाले लोगों के डैश से बच जाते हैं। आसान है बड़ा। शादी करने वाले जल्दी शादी करने वाले लोगों के डैश से बच जाते हैं। तानों से बच जाते हैं। नहीं जाने दे रहे भाई ये। उसकी तरह बेड़ा गर्क कर दिया हमने। वो देख रहे हो क्या करूं मैं? अच्छा नहीं हुआ शुरू से। लेट शादी करने वाले को लोग अक्सर डैश समझते हैं।
और मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे टीम ने ये सवाल दिए हैं, मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी सरप्राइज है। और आप वो जवाब देंगे जिससे हमारा शो बंद नहीं होगा। हाँ। दोबारा दोबारा भाई है मेरा, प्लीज सेव मी। लेट शादी करने वाले को लोग अक्सर डैश समझते हैं। छे से नहीं बोलना। नहीं नहीं हाँ छे से नहीं, छे से खाली तू है। अबे चलाक मैं चलाक बोल रहा हूँ, मैं चलाक बोल रहा था। तो चलाक ही बोला मैं भाई, जिम्मेदारी से भागता है वो। तू यहाँ से कब आएगा? अब मैं बोल दूंगा वो बात, आपको चाहिए ही नहीं हमें। हम कहाँ थे? आप बोल दूंगा। बड़ी देर बाद आया हूँ इस तरफ, मैं बहुत देर बाद आया हूँ ना यहाँ। बहुत आप इन पे थे, इन पे। चलिए आप बताइए कि लेट शादी करने वाले को लोग अक्सर डैश समझते हैं। बेवकूफ समझते हैं। नहीं वाला मैंने जो, यस मैम, देर से शादी करने वाले को लोग डैश समझते हैं। बेवकूफ, उन्होंने भी यही कहा। गौर से सुनना पड़ेगा। आप भी हो बेवकूफ। अकलमंद समझते हैं। अकलमंद समझते हैं? नहीं, एक अजीब सा जवाब है इसका। एक वो क्या कहूँ, बोल सकते जी भाभी, बोल सकते हैं। लेकिन कान में ऐसा जवाब है कि बोल सकते हैं। लेकिन कान में भाई जान, आपको क्या लगता है? वही है जो आप बोल रहे हैं। जिम्मेदार, देर से शादी करने वाले को लोग डैश समझते हैं। देर से शादी करने वाले को लोग डैश समझते हैं। अजीब जवाब। कमी। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? नहीं बोल दिया। क्या बोल, शुक्र करो कि नहीं तुम्हें तो नहीं नहीं मैं बताओ, मुझे लगा कुमारा बोलते हैं। हाँ, वो नहीं, शादी होने वाले को क्योंकि कुमारा कुमारा कहते हैं। तब नहीं शादी नहीं हुई तो नहीं, और इसके अलावा अच्छा समझते हैं। पहले सवाल समझते, शादी में देर हो गई ठीक है, तो लोग समझते हैं कि इसमें कोई है, तो वो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होगा। मतलब यही तो खुशी थी, बोल सकते हैं। हाथ कटवाओ इनके। बीमार, तूने मेरा शो बचा लिया। बीमार समझते हैं। पहली दफा तो बीमारी ने किसी शो को जिंदा किया। मतलब बीमारी मार दी है। भाई जान, आप कहाँ जा रहे थे? चलो चलो। जल्दी शादी करने वाले को अक्सर डैश अच्छी मिल जाती है। लड़की, लड़की अच्छी मिल जाती है। लेट शादी करने वालों के डैश में से कुछ अरसे में आवाजें आने लगती हैं। टांगों में से दवा खाने, दवा खाने। ये शो किसने प्लान किया मेरा करियर बर्बाद करने के लिए? ये शो किसने प्लान किया? दवा खाने आ रहा है। अबे हम तो बच्चे करके हो गया, जवाब हो गया तुमसे। और मजे की बात ये कि उनका जवाब सही है। अरे घुटने होता है उनके जिस्म से। ओह माय गॉड, होली मोली। ओके, यस मैम। जल्दी शादी से इंसान के डैश दूर हो जाते हैं। ख्वाब। हम कहाँ थे? पता नहीं, बस आ जाएं। आप पे थे ना, आपकी बारी है। जल्दी शादी हो जाए ना, इंसान के डैश छूट जाते हैं। दोस्त छूट जाते हैं। छोटी उम्र में शादी करने वाली लड़कियां डैश ज्यादा करती हैं। जीद, गुस्सा। जीद तो कोई लफ्ज नहीं होता पहले, होता है। वो समझने में दिक्कत हुई मुझे, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। हम कहाँ थे? भाई जान बताइए, छोटी उम्र में शादी करने वाली लड़कियां जो हैं वो ज्यादा डैश करती हैं। बहुत आ रहा, पोजेसिव हो जाती है। करीब है, करीब है, करीब है। यस सर, नखरे। आई, करीब 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 करीब। तंग बहुत करती है। करीब है, करीब है, करीब है, करीब है, करीब है। एडजस्ट कर लेती है। दुआ, जिदे ज्यादा करती है। उन्होंने कहा था जिद, जिद तो कहा था उन्होंने भी कहा था जिद। मेरी बारी का भाई, आपकी बारी आ गई है। क्या शक, शक। आई, गुस्सा। आप बिल्डर है मुझे पता है, लेकिन आप वो जवाब ना दीजिएगा। दिन कम हो जाते। अच्छा अच्छा जवाब है यार, अच्छा जवाब है। ओके, इनकम इनकम। यस, लेट शादी करने वालों के डैश अक्सर कम होते हैं। और अगर आपने जवाब नहीं दिया, मैं ये चीज आपको उधेड़ दूंगा। है ना, हो गया। चीटिंग कर रहे हैं। अस्वाइकांड हो गया। आप इसमें डिस्कस कर रहे हैं सारा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay. Okay.
जी भाई। ओ, हेयर से बोला मैंने। लेट शादी करने वालों के डैश कम हो जाते हैं। बाल बाल कम हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब। जो लोग डैश तौर पर कमजोर इतना घटिया सवाल है, जो लोग डैश तौर पर कमजोर हो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। जिस्मानी इसलिए लड़खड़ा गया था मैं, क्योंकि इसका जवाब ऐसा है यार, क्यों लिखते हो ऐसा, और जबकि इसका ये जवाब ही नहीं है, इसका जवाब बहुत साफ सुथरा है। बता दिया। अब आपकी बारी है ना, क्योंकि आप तो गलत जवाब आया था। जो लोग कैश तौर पर कमजोर हो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। मुआशी तौर पर, मुआशी और माली तौर पर कमजोर हो, बिल्कुल। हाँ उनको भी नहीं करनी चाहिए, उनको भी नहीं करनी चाहिए यार, उनको आपने इतना इशारा किया, उनको भी नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब जो उन्होंने कहा उनको नहीं करनी चाहिए। He's happily married. अच्छा इशारा किया आपने। ओके दुआ। जो लोग नहीं देर से शादी करने वाले की डैश बड़ी होती है। दाढ़ी। अच्छा कॉमन सेंस का जवाब है भाभी, बिल्कुल कॉमन सेंस का ही है। क्या कि देर से शादी करने वाले की डैश बड़ी होती है? गाड़ी। बस उसकी देर से शादी हुई है तो उसकी डैश तो बड़ी होगी ना। एज। एज बड़ी होगी, बस एग्जैक्टली। क्या? एज सिंपल एज दैट। ओके भाईजान प्लीज, जिनका डैश मजबूत हो उनको शादी में देर नहीं करनी चाहिए। हौसला कर, और खाली हौसले से काम नहीं चलता। हाँ कॉन्फिडेंस भी कोई चीज हो। भाभी जिनका डैश मजबूत हो उनको शादी में देर नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियली तौर पे मजबूत हो यानी। एग्जैक्टली, जो फाइनेंशियल तौर पे जॉब, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, गुड आंसर। उम्र दराज लोगों से रिश्ता करते वक्त लोग अक्सर उनका डैश देख कर ही उनसे रिश्ता तय कर लेते हैं। इतना ही आसान जवाब है। इतने अच्छे माशरे में नहीं रहते हम। अब जोर से बोलिएगा खुदा रहा। ओके, उम्र दराज एजेड लोगों से रिश्ता करते वक्त लोग अक्सर उनका डैश देख कर ही उनसे रिश्ता कर लेते। आप उनका पैसा वैसा देखते और कहते हैं ओके, तुम तो समझ, ये तो जल्दी मर जाएगा, ये समझती है चीज़ भाई। शादी के बाद डैश बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गुड वन माय ब्रदर। मैं सिर्फ अफसोस कर रहा हूँ सामने वाली टीम का जो हाल किया। यार बहुत बहुत लंबे मार्जिन से उम्र दराज कपल अक्सर डैश कम करते हैं। बातें भाईजान पे जी भाई, आपको क्या लगता है जो उम्र दराज एजेड कपल होता है वो डैश कम करते हैं? एजेड कपल एंजॉयमेंट आउटिंग ओके ओके, फिर भी सेफ जवाब था। हम आउटिंग लगा दी ना, सेफ हो गया। आओ मेरे दोस्त आओ प्लीज। जी प्लीज बताइए, आस्क मी क्वेश्चन। जो उम्र दराज लोग होते हैं ना एजेड बूढ़े, वो डैश कम करते हैं? बुराइयां। करीब है, वो ज्यादा इसी तरह की बात है, इससे मिलती जुलती बात है। लड़ाइयां कम करते हैं? लड़ाइयां कम करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक। ये था सबसे ज्यादा वही करते हैं। जी क्या बात करते हैं? लड़ाइयां सबसे ज्यादा वही करते हैं। मोहल्ले में चाचा खमने का थोड़ा वो होता है। हां तू मुझे देख लूंगा मैं। शादीशुदा आदमी बीवी का मूड अच्छा रखने के लिए बात बात पर उससे डैश कहता है। सॉरी सदके जाऊं तेरे, बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारी शादी हो गई दुआ? नहीं, थोड़ी सी हुई है, थोड़ी सी हुई है। ओ क्या चल रहा है ये आगे के बच्चे में? मतलब मम्मी हुई है यार। इसका सियात और सबाब कौन बताएगा? मतलब ये फाइल बुक हो गई है। इसको एक्सप्लेन करना चाहता है कि थोड़ी सी शादी क्या होती है? सिर्फ मंगनी, सिर्फ मंगनी है। मैं ये शो बंद करना चाहता हूँ, मुझे जवाब दो इसका। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। एक बात बता, उसकी बुक तेरे पास है? थोड़ी सी शादी इस पर फाइल आपके नाम हो जाती है, कब्जा आपको काफी टाइम बाद दे। इससे आसान जवाब नहीं हो सकता। उम्र होने के बाद भी जो शादी नहीं करता तो लोग समझते हैं कि इसके पास डैश नहीं होगा। पैसा नहीं होगा। एग्जैक्टली यस। लेट शादी करने वालों का डैश खत्म हो चुका होता है। पर्सनालिटी मेंटेन, मतलब लुक्स हुसन खत्म। एक माइनस। ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक तो वैसे नंबर कम है। अब चूंकि भाभी ने उसका जवाब दे दिया जो कि सही भी था, लेकिन भाभी की बारी नहीं थी,
इसलिए माइनस 10 हो गए. हुसन इट वॉज. यहां हम यहां थे है ना. आए ओके. उम्र ज्यादा हो जाए और शादी ना हो तो हर लड़की आपको डैश कहने लगती है. बुढ़ा बुढ़ा अंकल एग्जैक्टली. और अंकल क्या सी. मत कभी बूढ़ा नहीं होता. और शशा तेरे माता अच्छा मर्द नहीं है. यस सर. लेट शादी करने वालों के पास ज्यादा डैश नहीं रहती. चॉइस. एग्जैक्ट परफेक्ट बैंग ऑन आंसर था ये. बहुत आला. आपको चॉइस में रखा ही नहीं. आपसे कर ली. कितनी अजीब बात है. आप चॉइस में होनी चाहिए. लास्ट क्वेश्चन. दी एंड लिखा हुआ आ गया. अल्लाह रहम करे. आई एम सो सॉरी गाइस. तुम लोग कोमा में क्यों नहीं जा रहे. भाभी लेट शादी करने वालों को एक दूसरे को डैश का मौका नहीं मिलता. समझ सके. समझ. ये दिया. ये दिया. यार स्कोर हो जाए. स्कोर हो जाए यार. स्कोर हो जाए. आप लोग स्कोर देखना चाहते हैं सर. स्कोर देखने के बाद एक पूरे जश्न में हम हारी हुई टीम से ट्रॉफी दिलवाएंगे विनिंग टीम को. भाई जरिए आप उठा सकते हैं. आइए आइए भाभी. लेडीज दोनों लेडीज चले. आइए 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 आइए. क्या बात होगी. आई होप यू गाइस एंजॉय द शो. थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हाट द फन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. कीप वॉचिंग टीवी वन एंड व्हाट द